वेलकम बैक टू माय चैनल मल्टीटेक की 555। देखिए फ्रेंड्स, आज हमें छोटा सा फैन है, रिचार्जेबल फैन है, इसको हम रिपेयर करके दिखाएंगे। इसमें क्या खराबी है सब कुछ बताएंगे। ये भाई फैन हमारे भतीजी का है, कहा भाई ताऊ जी सही कर दीजिए, तो इसको हमें सही करना है। गांव जा रहे हैं, गांव में लाइट वाइट नहीं रहती है, तो इसको सही कर देंगे तो गांव जाएगी तो थोड़ा आराम रहेगा, क्योंकि इसमें सेल लगते हैं चार्जेबल, उससे चार्ज होती है। यहाँ देखिए पोर्ट भी दिया हुआ चार्जिंग का। चलिए देखते हैं इसमें क्या खराबी है, इसमें कौन कौन सी सामान लगेगी, आपको दिखाते हैं। और हाँ, एक बार की आपको इसको ऑन करके दिखाते हैं। देखिए पूरी तरीके से डेड है, चल नहीं रहा है, ये देखिए। और ये ऊपर लाइट लगी है, लाइट भी नहीं जल रही है, ये आप देख सकते हैं। चलिए इसको लैब ले चलते हैं, फिर इसको रिपेयर करके फिर आपको दिखाते हैं। चलिए इसको खोल लेते हैं। इसमें देखिए लिथियम बैटरी लगी होती है, देखते हैं कितनी बैटरी लगी हैं। ये देखिए इसमें दो बैटरियां लगी हैं और ये शायद पैरेलल में लगी हैं, ये देखिए। अरे यहाँ BMS भी लगा हुआ है, ये देखिए। और ये बैटरी का नंबर है 18650, 2000 mAh की बैटरी लगी है। ये दोनों बैटरियाँ पैरेलल में लगी हैं और हम आपको एक बार की चार्ज करके भी दिखा देते हैं। ये देखिए चार्जिंग शो हो रही है, मतलब ये सर्किट सही है। और अब हम यहाँ पर आपको वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं, देखिए कुछ वोल्टेज बढ़ रहा है कि नहीं। ये देखिए 3.14, मतलब वोल्टेज बढ़ रहा है। धीरे धीरे देखिए वोल्टेज बढ़ रहा है, 3.1516 हो रहा है, मतलब ये मेरा सर्किट चार्जिंग वाला सही है। बैटरी ही डेड है, चार्जिंग ये बैटरी नहीं रोक पा रही है, इसे हमें चेंज करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए पुराने लैपटॉप की बैटरी ये निकली हुई है, इसी से हम ये सेल निकालेंगे। देखिए ये पुरानी अगर आप बैटरी ले लेते हैं तो फ़ायदे में रहेंगे, ये 100 रुपये एक पूरा पैक मिल जाता है। इसमें 6 बैटरी लगी होती हैं, किसी में 5 होती हैं, जिसमें 3 से 4 बैटरी अच्छी निकल आती हैं, जो नई बैटरी के कंपेरिजन में बहुत अच्छा काम करेंगी। तो हम इसी से 2 बैटरी निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं, इसको हम साइड रखते हैं और इसको हम यहाँ से खोल लेंगे। ये देखिए हम इसको खोल लिए हैं, देखिए इसमें 6 सेल लगे हुए हैं। देखिए ये जो एक होता है इसको सेल बोलते हैं और ये पैक जो होता है इसको बैटरी बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए 6 सेल लगे हुए हैं, 6 सेल मिला के एक बैटरी बनाई गई है। अब इसको हम सेल निकाल लेंगे फिर चेक करते हैं। देखिए यहाँ BMS भी लगा होता है और BMS बहुत कम खराब निकलते हैं, अच्छे होते हैं और आगे यूज भी हो जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें बैटरी अलग कर लिए हैं, 2-2 का पैक, और ये BMS निकला है, इसको हम साइड करेंगे, कोई काम नहीं है। अब इसमें देखिए 6 पैक हैं, इसमें हम चेक कर लेंगे, चार्ज करके चेक करेंगे, जिसमें चार्ज रुकेगा वो समझ लीजिए पैक सही है, नहीं तो हम एक एक बैटरी अलग कर लेंगे इसकी, फिर चेक करेंगे एक एक करके कि जिसमें चार्ज रुकेगा समझ लीजिए वो बैटरी अच्छी है। यही एक तरीका होता है इन्हें चेक करने का। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पैक हम इसमें चार्ज करके दिखाते हैं कि इसमें चार्ज रुकता है कि नहीं। चलिए इसको हम पंखे ही से कनेक्ट कर लेते हैं, उसी के उसे चार्ज करेंगे मॉड्यूल से, तो ये भी पता चल जाएगा कि पंखे का मॉड्यूल सही है कि नहीं, उसका BMS ठीक है कि नहीं है। देखिए इसमें से कोई एक हम पैक यूज़ करेंगे इस पंखे में लगाने के लिए।
ये देखिए 2.83 इसकी वोल्टेज है और इसकी है 2.91। तो हम ये वाला पैक लेंगे। देखिए पंखे के साथ जो सेल निकले थे ये वाले, इसमें एक BMS लगा था, वही हम BMS इसमें यूज़ कर लेंगे और पता भी चल जाएगा कि BMS ठीक है कि नहीं, उसी से हम ये बैटरी चार्ज करेंगे। चलिए BMS लगा लेते हैं। ये देखिए इसमें हम BMS लगा लिए हैं। अब इसके वायर हम कनेक्ट कर लेंगे जो पंखे से निकले हैं। ये देखिए एक रेड वायर है तो हम यहाँ पर सोल्डर कर देंगे इस जगह पर, और ब्लैक वाला वायर यहाँ पर सोल्डर कर देंगे। ये देखिए सोल्डर हो गया है। अब इन सेलों को हम यहाँ पैक कर देंगे जहाँ पे पैक थे। इसको पलट लेते हैं ऐसे, और ये देखिए यहाँ पर ऐसे इसको पैक कर देंगे डबल साइडेड टेप लगा करके। ये देखिए तो थोड़ा टाइट रहेंगे। अब इसको हम टाइट कर देंगे चार्जिंग करके। बैटरी लगाने के बाद हम इसकी चार्जिंग आपको दिखाते हैं। ये देखिए चार्जिंग शो होने लगी। देखिए यहाँ रेड लाइट जल रही है, ये आप देख सकते हैं। जब बैटरी फुल हो जाएगी तो ये लाइट ब्लू हो जाएगी। इसको थोड़ी देर चार्ज होने देते हैं, फिर देखते हैं सेल चार्ज हो रहे हैं कि नहीं। अगर चार्ज हो रहे हैं तो सही है, अगर नहीं चार्ज हो रहे हैं तो सेल खराब है या BMS खराब है, फिर हम उसको चेक करेंगे। चलिए थोड़ी देर इसको चार्जिंग पे लगा रहने देते हैं। देखिए भाई 1 घंटा हो गया है बैटरी चार्ज होते हुए। अब हम इसकी बैटरी की वोल्टेज चेक करके आपको दिखाते हैं। इसके पहले भी दिखाए थे 2.91 वोल्ट था, अब 1 घंटे के बाद इसकी वोल्टेज कितनी हो गई वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए 3.77 वोल्ट, इसका मतलब बैटरी सही है और BMS भी सही है। तो लगभग आधे घंटे में बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। तो हर चीज़ ओके है तो हम इसको पैक कर देंगे। अब इसके हम स्क्रू टाइट कर देते हैं, यहाँ से लाइट जलेगी। ये देखिए इधर से थोड़ी रोशनी कम रहेगी और दूसरी तरफ से दबाएंगे तो फुल रोशनी आएगी। ये देखिए, और पंखा भी चेक करवाते हैं आपको। ये देखिए कितनी अच्छी स्पीड आ रही है इसकी, और इस तरफ देखिए इधर स्पीड स्लो रहेगी, बीच में ऑफ होगा और इस तरफ फुल स्पीड में फाइन चलेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम भाई रिपेयर कर दिए हैं और बहुत काफी यूजफुल जो है ये फैन है। वाह, ये देखिए कितनी मस्त हवा आ रही है, इसको आप सफर में आराम से ले जा सकते हैं। ये देखिए वाह, और इसका बैकअप कम से कम 2 से 3 घंटे रहेगा। और हाँ, इसे लाइट भी चला सकते हैं। ये देखिए इस तरफ तेज जलेगी और ऐसे इस तरफ धीम जलेगी, और इधर करेंगे तो लाइट तेज जलेगी। ये देखिए काफी भाई मस्त पंखा है और कितने कम पैसे में रिपेयर हो गया। देखिए 100 रुपये का हम लैपटॉप की पुरानी बैटरी लाए थे, उसमें 6 बैटरी सही निकल गई, तो इसमें सिर्फ हम 2 बैटरी यूज किए, लगभग 30 से 35 रुपया रिपेयरिंग में भी लगा और ये फैन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ये देखिए बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, और ये छोटे मोटे काम आप भी कर सकते हैं। पुरानी बैटरी लैपटॉप की ले लीजिए, उसमें 4 से 5 या कभी कभी 6 बैटरी अच्छी निकल जाती हैं, बहुत कम पैसे में पंखा रिपेयर हो जाएगा। लाइट अगर आप बनाते हैं तो लाइट भी बन जाएगी,
फ्रेंड्स अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। बाय बाय।